Hello everyone, this is Rajat Samyal. Welcome to Inspiration IAS. Guys, recently Indian researchers ने Krishna Godavari Basin में काफ़ी बड़े काफ़ी large quantity में मिथेन हाइड्रेट के डिपॉजिट को लोकेट किया गया है और ये जो मिथेन हाइड्रेट के डिपॉजिट हैं इनको ये कंसिडर किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में इंडिया की जो एनर्जी नीड है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं और पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो इंडिया की कमिटमेंट है टुवर्ड्स द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और जो ग्लोबल वार्मिंग को टैकल करने के लिए जो अपने इंडिया ने अपनी कमिटमेंट शो की है उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। आइए गाइस, इस वीडियो में हम मिथेन हाइड्रेट के बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए, रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन दैट इज अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूशन के रिसर्चर्स ने अपनी रीसेंट स्टडी में ये बताया है कि कृष्णा गोदावरी बेसिन में मिथेन हाइड्रेट के डिपॉजिट पाए गए हैं और ये जो मिथेन हाइड्रेट के डिपॉजिट हैं ये बायोजेनिक ओरिजिन के हैं। देखिए, बायोजेनिक का मतलब है वो डिपॉजिट्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू बने हुए हों। देखिए जो स्टडी है ये बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के यंग साइंटिस्ट प्रोजेक्ट के अंदर इस स्टडी को कंडक्ट किया गया। अब देखिए, मिथेन हाइड्रेट को ढूंढा गया है और काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा का कारण बना हो, इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ये मिथेन हाइड्रेट और इसकी जो ये आज डिस्कवरी हुई है ये क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो मिथेन है, देखिए मिथेन एक क्लीन गैस है, क्लीन और इकोनॉमिकल फ्यूल माना जाता है और ये माना जा रहा है कि ये जो 1 क्यूबिक मीटर ये जो मिथेन हाइड्रेट के डिपॉजिट पाए गए हैं इनमें नियर अबाउट 160 से लेके 180 क्यूबिक मीटर तक मिथेन गैस हो सकती है। इवन जो लोएस्ट एस्टिमेट है इस मिथेन का, इस मिथेन हाइड्रेट में, जो ये कृष्णा गोदावरी बेसिन में जो ये मिथेन हाइड्रेट के डिपॉजिट जो आइडेंटिफाई किए गए हैं इनमें से अगर इनका लोएस्ट एस्टिमेट भी लगाया जाए कि कितनी इसमें मिथेन गैस हो सकती है, वो गैस भी पूरी दुनिया में जितने भी फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स आज के टाइम पे अवेलेबल हैं उससे ट्वाइस होगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो रिसोर्सेज पाए गए हैं, डिपॉजिट्स पाए गए हैं, दे आर ऑफ बायोजेनिक इन ओरिजिन, मीन्स ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने हैं। अब देखिए गाइस, ये जो मिथेन हाइड्रेट है ये बनती कैसे है। बेसिकली जब आपका वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, जब आपका वाटर और मिथेन गैस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं अंडर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर इन ओशन, तो उसकी वजह से इसके बीच में एक रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन की वजह से मिथेन हाइड्रेट के डिपॉजिट्स फॉर्म होते हैं। आज के टाइम पे देखिए, दुनिया ग्रो कर रही है, दुनिया की इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है, इसकी वजह से आज के टाइम पे फ्यूल्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और हमारी दुनिया में जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनकी कमी होती जा रही है और इसकी वजह से आज की दुनिया की सारी कंट्रीज अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए उनको फ्यूल चाहिए, बिकॉज फ्यूल इज़ द ऑक्सीजन फॉर एनी कंट्री। तो वो आज के टाइम पे एक अल्टरनेटिव सोर्स तरफ मूव कर रहे हैं विच कैन बी ए सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी। और आज के टाइम पे क्लाइमेट चेंज भी काफ़ी बड़ा मेजर हर्डल बन के सामने आया है। तो देखिए, कृष्णा गोदावरी बेसिन में जो ये मिथेन हाइड्रेट के रिसोर्सेज पाए गए हैं विच कैन बी द सोर्स ऑफ मिथेन और नेचुरल गैस, तो ये एक एक्सीलेंट सोर्स हो सकता है ऑफ मिथेन। तो देखिए गाइस, इस स्टडी के अंदर मॉलिक्यूलर एंड कल्चरिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया और इस टेक्निक ने ये रिवील किया है कि ये जो कृष्णा गोदावरी में जो ये मिथेन हाइड्रेट के जो रिसोर्सेज पाए गए हैं दे हैव मैक्सिमम मिथेनोजेनिक डाइवर्सिटी। इवन अंडमान और महानदी बेसिन में जो ये मिथेन हाइड्रेट के डिपॉजिट पाए गए थे उनसे भी काफ़ी ज़्यादा मिथेनोजेनिक डाइवर्सिटी इस कृष्णा गोदावरी बेसिन के रिसोर्सेज में है। तो देखिए गाइस, मिथेन के बारे में देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मिथेन एक क्लीन और इकोनॉमिकल फ्यूल है और ये माना जा रहा है कि ये जो मिथेन हाइड्रेट के डिपॉजिट हैं इनके 1 क्यूबिक मीटर में भी 160 to 180 क्यूबिक मीटर और मिथेन गैस हो सकती है। तो अगर एक लोएस्ट एस्टिमेट भी लगाया जाए तो जो मेन जो प्रेजेंट हो सकती है इन हाइड्रेट डिपॉजिट्स में ये दुनिया में जितने भी फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स हैं उनसे भी डबल होगी। तो देखिए गाइस, यहाँ पे कुछ हमें चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, मिथेन के सोर्सेज क्या हैं। देखिए, कोल बेड मिथेन एक्सट्रैक्शन एक ऐसा मेथड है जिससे आप कोल डिपॉजिट में से मिथेन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा, जो हमारे कैटल्स हैं जैसे जानवर हैं ये मिथेन को रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में, साथ में ये अमोनिया को भी रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में, मींस कैटल्स आर आल्सो द सोर्स ऑफ मिथेन। और जब हम अपनी क्रॉप्स को बर्न करते हैं, जब हम अपने बायोमास रेजिड्यू को बर्न करते हैं तो उस केस में भी मिथेन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है।
अब देखिए मीथेन का इम्पैक्ट क्या होता है एटमॉस्फेयर में। मीथेन देखिए गाइस, मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है और इसका जो ग्रीन हाउस पोटेंशियल है वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी कहीं गुना ज़्यादा है। अब देखिए ये जो मीथेन हाइड्रेट के डिपॉजिट पाए गए हैं, देखिए मीथेन बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग को भी ट्रिगर कर सकता है। देखिए इन डिपॉजिट्स हैं, मीथेन हाइड्रेट के जो डिपॉजिट्स हैं वहाँ पे ये जो मीथेन आइडेंटिफाई की गई है, देखिए अगर लंबे समय तक जिस तरह से आज के टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अगर इसको रोका ना जाए तो ये इन डिपॉजिट में से मीथेन को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से मीथेन की अमाउंट बढ़ना स्टार्ट होगी एटमॉस्फेयर में। एंड इट बीइंग अ ग्रीन हाउस गैस, ये भी ग्लोबल वार्मिंग को और ट्रिगर करेगा। अब देखिए जो मीथेन हाइड्रेट के डिपॉजिट हैं, आज तक के सबसे ज़्यादा डिपॉजिट आर्कटिक टुंड्रा में पाए गए हैं और इसके सबसे ज़्यादा डिपॉजिट सी फ्लोर पे हैं। आप और देखिए ये जो मीथेन है, काफ़ी ज़्यादा इसका ग्रीन हाउस पोटेंशियल है, काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हाउस वार्मिंग ये क्रिएट करती है। अगर इसको लेस हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस में कन्वर्ट होना है, दैट इज़ आई कैन से दैट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें भी इसको कई दशक लग सकते हैं, टेंस ऑफ ईयर्स लग सकते हैं, 10 साल या उससे ज़्यादा कई साल लग सकते हैं इसमें। तो देखिए आज जैसे इंडिया की जो कमिटमेंट है पेरिस एग्रीमेंट में, और इंडिया इस पेरिस एग्रीमेंट के अंदर अपने फॉसिल फ्यूल की डिमांड को कम कर रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी का जो शेयर है हमारी एनर्जी कैपेसिटी में, एनर्जी नीड्स में, उसको बढ़ाते जा रहा है, तो मीथेन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है एज इट बीइंग अ क्लीन एंड इकोनॉमिकल फ्यूल। और ये आने वाले टाइम पे इसकी प्रोडक्शन हमारे जो यूज़र्स हैं, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो। गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि हम जब भी न्यू वीडियो लेके आएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू गाइज, स्टडी वेल, गॉड ब्लेस यू ऑल।